रिस्पायरेशन टू टाइप्स की होती है, एक रिस्पायरेशन होती है जो सेल लेवल पे होती है, दूसरी रिस्पायरेशन वो होती है जो ऑर्गेनिज्म लेवल पे होती है। वो रिस्पायरेशन जो सेल लेवल पे होती है उसे सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं, और वो रिस्पायरेशन जो ऑर्गेनिज्म लेवल पे होती है वो ब्रीथिंग कहलाती है। सेलुलर रिस्पायरेशन कौन परफॉर्म करते हैं? प्लांट्स। और ऑर्गेनिज्म लेवल पे ब्रीथिंग का प्रोसेस कौन परफॉर्म करते हैं? एनिमल्स एंड ह्यूमंस। देखिए फ्यूल, जिस तरह के हम फ्यूल बर्न होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। फ्यूल के अंदर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन एंटर होती है, फ्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। जब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड होती है तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड की ब्रेक डाउन होती है। जब कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड की ब्रेक डाउन होती है उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, तो कहते हैं कि फ्यूल के बर्न होने से भी जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। फूड, हम जितनी भी फूड्स लेते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होती है। जब उन बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब फूड लेने से हम फूड लेते हैं, उसकी ब्रेकडाउन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, और वो एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है, और एटीपी को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। अब रिस्पायरेशन यहाँ पे जो हमने डिस्कस कर दिया वो सेलुलर रिस्पायरेशन है, सेल लेवल पे हो रही है। तो रिस्पायरेशन की दो टाइप्स होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। वो रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है वो एरोबिक रिस्पायरेशन कहलाती है, और वो रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहलाती है। एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर होता क्या है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है। ग्लूकोज के फॉर्म में 6 कार्बन होती है, 6 कार्बन कंपाउंड की ब्रेकडाउन होती है 3 कार्बन कंपाउंड, दो मॉलिक्यूल बनते हैं 3 कार्बन कंपाउंड के। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल बने हैं इनको बोलते हैं पाइरूविक एसिड्स, ठीक है। तो उसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है पाइरूविक एसिड्स के अंदर, और फिर पाइरूविक एसिड्स के अंदर जो बाकी के कार्बन और हाइड्रोजन रह जाते हैं उनकी कंप्लीट जो है वो रिड्यूस होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड किया, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड होती है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है उनकी ब्रेकडाउन होती है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 6 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी कहाँ से आई? जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड थे जैसे ही ऑक्सीजन एनवायरमेंट से ऐड हुई इसने रिएक्ट किया, के दरमियान जो बॉन्ड थे उनकी ब्रेकडाउन हुई, उनकी ब्रेकडाउन के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। दूसरी जो रिस्पायरेशन होती है वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। बैक्टीरिया और मोस्टली यीस्ट इसको परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन भी एनएरोबिक रिस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग हार्ड वर्क, जैसे रनिंग के प्रोसेस के दौरान जब ह्यूमंस रन कर रहे होते हैं तब ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है और हमारे नीड को फुलफिल नहीं कर रही होती तब ह्यूमन भी एनएरोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट कर देते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं वो एनएरोब्स कहलाते हैं। एनएरोबिक रिस्पायरेशन की फर्दर दो तरह की होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक फर्मेंटेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन में जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है इनमें फर्स्ट स्टेप ऐसे सेम होता है जैसे एरोबिक रिस्पायरेशन में होता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है पाइरूविक एसिड्स के अंदर, 6 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है 3 कार्बन कंपाउंड्स के अंदर। अब ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है इसको क्या बोलते हैं? पाइरूविक एसिड। अब पाइरूविक एसिड तक का प्रोसेस ऐसे सेम होता है जैसे एरोबिक रिस्पायरेशन में होता है। अब पाइरूविक एसिड्स फर्दर डिकम्पोज होकर क्या बना देती है? इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, इस वजह से इनको कहते हैं कि ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। दूसरी इसकी जो टाइप है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है कि लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। उसमें इसमें भी ऐसे जो फर्स्ट स्टेप है वो सेम होता है, ग्लूकोज के 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो ब्रेकडाउन होती है 3 कार्बन कंपाउंड्स के अंदर, पाइरूविक एसिड्स बनती हैं। अब पाइरूविक एसिड फर्दर रिड्यूस होकर क्या बनाती है? लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ह्यूमंस में भी होती है स्केलेटल मसल्स के अंदर रनिंग के प्रोसेस के दौरान। एक डिजीज है फिटेज बोलते हैं जिसको, उसके अंदर भी यही होता है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, तो फिर हमारे मसल जो है वो फिटेज हो जाते हैं और थकान महसूस होती है।
लाइफ की एक्टिविटी से एनर्जी हासिल करते थे। अब